हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स कोजी पर। और जैसा कि मैंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का वन शॉट व्यू डाला है और उसके बाद ही मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए थे उसी चैप्टर के। उसके बाद मैंने मार्केटिंग मैनेजमेंट वाला चैप्टर कराया और फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला चैप्टर कराया, वन शॉट डाला। और आज मैं उन दोनों चैप्टर्स के आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। सबसे पहले हम ये देखते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट का एमसीक्यूज। इसमें आपसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज। इनमें से कौन सी हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलोसफी है? देखिए, पांच तरह की होती है। एक हमारा प्रोडक्ट कंसेप्ट होता है, एक प्रोडक्शन कंसेप्ट होता है, सेलिंग कंसेप्ट होता है, मार्केटिंग कंसेप्ट होता है, सोसाइटल कंसेप्ट होता है। तो यहाँ पर एक ही दे रखा है, यानी इसका आंसर होगा ए। फिर पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मार्केटिंग मिक्स। P4 चार तरीके के होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। यहाँ पर कौन सा नहीं है? यहाँ पर ये हुआ इसका आंसर डी। थर्ड है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट रिलीवेंट टू प्राइस फिक्सेशन। जब हम प्राइस डिसाइड करते हैं तो इनमें से कौन सा है जिसको हम ध्यान में नहीं रखते? ऑप्टेनिंग मार्केट लीडरशिप ध्यान में रखते हैं, भाई मार्केट में लीडरशिप चाहिए। एज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इसे ध्यान में नहीं रखते, इससे कोई मतलब नहीं, यानी इसका आंसर होगा बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रमोशन टूल हैज मास रीच। इसमें से कौन से प्रमोशन टूल की ज्यादा रीच है? वो हमारा एडवर्टाइजिंग है, एडवर्टाइजर की रीच ज्यादा होती है। रजिस्टरिंग अ ट्रेडमार्क गिफ्ट टू यूजर क्या देता है? प्रोटेक्शन देता है। जब भी आप अपने ब्रांड नेम का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो तो वो आपको एक प्रोटेक्शन मिल जाती है कि उसको कोई और फिर यूज नहीं कर सकता। हीना इज प्लानिंग टू सेट अप अ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉर मैन्युफैक्चरिंग इको फ्रेंडली पैकेजिंग मटेरियल। शी हैज डिसाइडेड टू मार्केट हर प्रोडक्ट थ्रू द कन्वेंशनल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विच इन्वॉल्व, उसमें होलसेलर है और रिटेलर है। अब यहाँ पर दो लोग आपको दिख रहे हैं, होलसेलर और रिटेलर, यानी कि ये कितनी लेवल हो गई? टू लेवल, यानी जितने लोग बीच में आते जाएंगे उतने ही लेवल यहाँ पे होता जाता है। फिर है द कंसेप्ट विच फोकस ऑन लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड मिनिमम कॉस्ट। ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना, कम से कम कीमत पे करना, उसको हम कहते हैं हमारा प्रोडक्शन कंसेप्ट। द कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, किस चीज पे सारी कंपनी की इंफॉर्मेशन होती है? वो हमारा होता है लेबलिंग। तो ये तो छोटे छोटे हैं, थोड़े और आगे बढ़ते हैं जो हमारा क्वेश्चन टाइप दे रखे हैं आपको, अच्छे अच्छे केस स्टडी टाइप। देखिए यहाँ देखते हैं, ये आपसे कह रहा है मानसी टुक हर नाइसी रिद्धिमा शॉपिंग टू मेगा स्टोर। जो मानसी है वो रिद्धिमा को शॉपिंग स्टोर पर ले गई है नया बैग खरीदने के लिए उनके बर्थडे के लिए। शी वॉज डिलाइटेड वेन ऑन पेमेंट ऑफ द बैग शी गॉट अ पेंसिल बॉक्स अलोंग विद द बैग फ्री ऑफ कॉस्ट। अब यहाँ पर जब उनने बैग खरीदा तो उसको पेंसिल बॉक्स भी उसके साथ फ्री मिला। आइडेंटिफाई द टेक्निक, अब किस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है? अब यहाँ पे सेल्स प्रमोशन का प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन को किया गया है, ये होता है प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। सेकंड देखिए, सुनीता टू खन्नाइसी ऐश्वर्या शॉपिंग के लिए ले गई है ड्रेस खरीदने के लिए बर्थडे पर। अब उनने देखा कि जब उन्होंने पेमेंट किया ड्रेस का तो उन्हें डिस्काउंट मिला। अब यहाँ पर डिस्काउंट मिला तो ये हमारा क्या है? यूजेबल बेनिफिट है। किसका? सेल्स प्रमोशन का, ठीक है ना। तो इस तरीके से सेल्स प्रमोशन के जितने भी टाइप्स के आपको दे रखे हैं वो आपको याद होना चाहिए। फिर फोर्थ में पूछ रहा है विच मार्केटिंग कंसेप्ट टेक केयर ऑफ द सोशल इथिकल इकोलॉजिकल एस्पेक्ट। ये हमारे सोसाइटल कंसेप्ट की बात हो रही है। फिफ्थ है इट इज नेसेसरी डेट गुड्स एंड सर्विस मस्ट बी मेड अवेलेबल टू द कस्टमर एट द राइट प्लेस राइट क्वांटिटी राइट टाइम। अब नेम द कंसर्न एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, तो यहाँ पे बात हो रही है प्लेस मिक्स की, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे आपको याद करने पड़ेंगे। फिर आपको दे रखा है एटीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्पेंड कर रही है ज्यादा से ज्यादा पैसा ताकि उनको कस्टमर्स मिले, एडवर्टाइजमेंट से, पर्सनल सेलिंग से, सेल्स प्रमोशन टेक्निक से। तो यहाँ पे किस एलिमेंट की बात हो रही है? प्रमोशन की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। तो शॉर्ट है ये, लॉन्ग आंसर देखते हैं। देखिए यहाँ पे सेकंड वाला देखते हैं, ज्यादा बड़ा तो नहीं। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, अरे अरे, तीन लोग की बात हो रही है। चलिए देखते हैं। देखिए गिनिका, तनिष और रोहित तीन फ्रेंड्स हैं कॉलेज में।
दे आर डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस, अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं अलग अलग, वो रेगुलरली आपस में मिलते रहते हैं बिजनेस आइडियाज को लेकर, और एक्सचेंज नोट्स ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मार्केटिंग एफर्ट्स, प्रोडक्ट, मतलब सभी तेरी चीजों से वो मिलते रहते हैं। अब गिनिका इन इन वन ऑफ सच मीटिंग, जो गिनिका है, ड्रॉ द अटेंशन ऑफ तनिष्क रोहित टुवार्ड्स द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। उन्होंने कहा कि वो कंज्यूमर के साथ ये गलत होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। शी सेड दैट मोस्ट ऑफ द सेलर वॉज एक्सप्लॉयटिंग द कंज्यूमर इन वेरियस वेज, जो कस्टमर्स को अलग अलग एक्सप्लॉयटेड किया जा रहा है, एंड वर नॉट पेइंग अटेंशन टुवार्ड द सोशल इथिकल इकोलॉजिकल एस्पेक्ट। तनिष ने कहा दैट दे वर अंडर प्रेशर टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर, बट स्टेटेड दैट कंज्यूमर वुड नॉट बाय और नॉट बाय इनफ अनलेस दे वर एडुकेटली कन्विंस्ड। भाई कंज्यूमर जब तक नहीं खरीदेगा जब तक उसे सेटिस्फाई नहीं किया जाएगा। रोहित ने कहा रोहित स्टेट दैट अ कंपनी कैन नॉट अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव बिना समझे कि कस्टमर की नीड क्या है। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द बिजनेसमैन कंज्यूमर का सेटिस्फाई हो। अब आपको बताना है कि अलग अलग जो थिंकिंग ये कर रहे हैं मार्केटिंग एफर्ट्स के लिए, उस फीचर्स के बारे में आपको बताना है। यहाँ पर फीचर्स की बात हो रही है कि जो हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन है वो किसके हिसाब से आपको इम्पोर्टेंस रखता है, हमारे कंज्यूमर के हिसाब से कैसा इम्पोर्टेंस रखता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन टू दे रखा है कि ITC स्टार्ट इट बिजनेस एंड जो बैको इंडस्ट्री, लेटर वो होटल इंडस्ट्री में आई, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री में आई, स्टेशनरी में आई। ITC एश्योर किया कि अगर हम कंज्यूमर कस्टमर्स को क्वालिटी देंगे एंड कैप्ट द कंपनी नेम एज इट्स आइडेंटिटी, वो हेल्प करता है कस्टमर्स को प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में और क्वालिटी बिल्ड करने में। ये ऑल्सो बिल्ड करता है कॉन्फिडेंस कस्टमर्स के अंदर। तो यहाँ पर आपको किस एलिमेंट की बात करी जा रही है, यहाँ पे बात करी जा रही है प्रोडक्ट के ब्रांडिंग की। प्रोडक्ट मिक्स की ब्रांडिंग की। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है नेम द अदर एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। और क्या होता है भाई मार्केटिंग मिक्स के अदर एलिमेंट, वो आपको बताने हैं P4 जो है। अब उनके अलावा आपको कंसेप्ट बताना है विच एश्योर क्वालिटी एंड हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो वो हमारा BPL में ब्रांडिंग और इसमें आता है। फिर यहाँ पे दे रखा है कि अशिमा ने एक बोतल परचेज करी टमाटो सॉस की लोकल ग्रोसरी शॉप से, और जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड है बोतल पर वो क्लियर नहीं है। अब वो जो है उसकी तबीयत खराब हो गई और उसने केस किया डिस्ट्रिक्ट फोरम में, और उस केस से उसे रिलीफ मिल गया, पैसा मिल गया। यहाँ पे कौन सा इंपोर्टेंट एस्पेक्ट था जो मार्केटर ने नेग्लेक्ट कर दिया, वो था हमारा लेबलिंग, ठीक है ना। फिर आपको फिफ्थ में दे रखा है कि आपको फिलोसफीज आइडेंटिफाई करनी है कि कौन कौन सी फिलोसफीज पर काम हो रहा है। अब जैसे सेकंड वाला देखते हैं, अमन माइक्रोवेव प्रोड्यूस करते हैं माइक्रोवेव, बट दे डू नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द कस्टमर। कस्टमर की नीड से उन्हें मतलब नहीं है, उनका जो मेन फोकस है वो है कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। उन्होंने ये कभी जानना ही नहीं चाहा कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोडक्ट में जितने फीचर्स ऐड कर सकते हैं उतने करे, और उन्होंने एक स्पेशल टाइप का अलार्म भी लगा दिया अपने प्रोडक्ट में। जो अलार्म है वो 10 वेराइटीज में अवेलेबल है। हाउएवर द कस्टमर से कि जो प्रोडक्ट है ये हमारे ज्यादा यूज का नहीं है, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करी जाती है। तो यहाँ पर ये जो कंपनी है वो किसको फोकस कर रही है, प्रोडक्ट कंसेप्ट को फोकस कर रही है। नेक्स्ट है रवि कूलर, एक प्रोग्रेसिव कंपनी है। जो ओनर है कंपनी के वो सोचते हैं कि भाई अगर हम सोसाइटी के लिए कुछ नहीं करेंगे तो हमारे बिजनेस का क्या फायदा। उन्होंने अपने एक रीसेंट मूव में ट्राई किया कि जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने डिसाइड किया कि हम हेल्प करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की गवर्नमेंट की। तो उन्होंने 5 टीम हायर की, एनवायरमेंटलिस्ट जो हमारे फॉरेन कंट्री से आएंगी, ये टीम हेल्प करेंगी लोकल पीपल की कि जो हमारा पॉल्यूटेड एरिया है उसे साफ करने के लिए। ये जो कॉस्ट लगेगा इस प्रोजेक्ट पे वो कंपनी देगी। यहाँ पर कंपनी किस कंसेप्ट को फॉलो कर रही है, समाज के भले, यानी सोसाइटल कंसेप्ट। फिर उसके बाद आपसे कह रहा है राजेश, मैनेजर है कंपनी में, उनका जो मेन एरिया फोकस है कि जनरेट रेवेन्यू, ज्यादा से ज्यादा पैसा है, ज्यादा से ज्यादा सेल्स हो। ही डिसाइड टू डेवलप अ प्रोडक्ट फॉर द कंपनी विच कैन जनरेट रेवेन्यू, जो लंबे समय तक रेवेन्यू जनरेट करे। फॉर दिस ही मीट अ टीम ऑफ RD
ऑफिस कंपनी लॉन्ग मीटिंग के बाद डिसाइड हुआ सर्वे करेंगे। सर्वे के हिसाब से अ प्रोडक्ट इज मेड टू फुलफिल द नीड ऑफ द कस्टमर। द प्रोडक्ट लेटर प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ रेवेन्यू थ्रू रिपीटेड सेल इन द लॉन्ग रन। इसका आप सेल्स भी यानी सेलिंग कंसेप्ट भी कर सकते हो और मार्केटिंग कंसेप्ट भी कर सकते हो, दोनों ही अपनी जगह ठीक है। ऐसे ही सेम इसको देखोगे, नेगेटिव रेस्पॉन्स के बाद भी कंपनी जो है वो प्रमोशन कर रही है न्यू चिप्स के फ्लेवर का, काफी कॉन्टेस्ट करवाया उसको प्रमोट करने के लिए। उन्होंने ये नहीं देखा कि कस्टमर को पसंद है या नहीं, बस उन्हें बेचने से मतलब है, तो यहाँ पर हमारा जो यूज हो रहा है वो हो रहा है हमारा सेलिंग कंसेप्ट, ठीक है ना। तो ये आपका दे रखा है मार्केटिंग कंसेप्ट का। अब हम चलते हैं हमारा फाइनेंशियल वाले पे। फिर आता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले चैप्टर के इम्पोर्टेंट, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, एंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, वो हमारा होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। फिर आपका इसमें सीवी कर सकते हो बेटा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज ऑल्सो कॉल्ड, उसे हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहते हैं। वो डिसीजन जो रिलेट करता है कि आपको कितना डेप लेना है, कितना इक्विटी लेना है, उसको हम कहते हैं हमारा फाइनेंशियल डिसीजन। वो डिसीजन जिसमें हम देखते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट आया वो कितना बांटना है, उसको हम कहते हैं डिविडेंड डिसीजन। अब आपने देखा कि फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर आपकी हाई है तो आप क्या प्रेफर करोगे, आप इक्विटी ज्यादा प्रेफर करोगे। वो कंसेप्ट जिसमें हम ये देखते हैं कि जब भी हमारे पास पैसे की जरूरत हो तो हमारे पास वो पैसा अवेलेबल हो, वो हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा है। कितना अमाउंट ऑफ करेंट एसेट्स चाहिए वो कौन डिसाइड करता है, हमारा वर्किंग कैपिटल डिसाइड करता है। तो ये सारे आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस दे रखे हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देन आगे बढ़ते हैं, आपका आगे बढ़ने के लिए हम आपका चलते हैं केस स्टडी पे। ये आपके वेरी शॉर्ट आंसर दे रखे हैं, चलिए ये देखिए। अब यहाँ पर देखिए, कह रहा है अमन लिमिटेड एंगेज्ड है बिजनेस में एक्सपोर्ट ऑफ गारमेंट का। पास्ट टाइम में उनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफी सही रही है, उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रही है, इसीलिए वो लेटेस्ट तकनीक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कंपनी डिसाइड किया कि अपनी मशीनरी को अपडेट करेंगे। उन्होंने इसके लिए फाइनेंस मैनेजर रमन से पूछा कि हमारा एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ फंड कितना है और हमें कितना जरूर पड़ेगा। दिस विल हेल्प द कंपनी लिंकिंग द इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन ऑन कंटिन्यूअस बेसिस। रमन ने कहा कि उन्होंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, सेल्स फॉरकास्ट किया कि आने वाले 4 साल की हमारी सेल्स कितनी होगी, और रेलिवेंट डाटा कलेक्ट किया कि हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है। ही वॉन्टेड टू बी श्योर अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, जितना पैसा उन्हें चाहिए उतना पैसा उनके पास रहे, बाकी जो पैसा है वो बाहर से आ सकता है। यहाँ पर आपसे पूछा है किस फाइनेंशियल कंसेप्ट की बात हो रही है। यहाँ पे देखिए तीनों ही दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे बेसिकली जो बात हो रही है वो हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात हो रही है, वो मशीन में अपडेट करना है, और फाइनेंशियल डिसीजन की बात हो रही है कि हमारे पास पैसा है जो वो कहाँ कहाँ से आएगा। फिर आपकी यहाँ पे आती है केस स्टडी। अब आपसे कह रहा है टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड, वो प्रॉफिट हुआ है 50 करोड़ का। अंकित जो फाइनेंस मैनेजर है टाटा ने वांट टू डिसाइड हाउ टू अप्रोप्रिएट दिस प्रॉफिट, यानी यहाँ पे जो बात हो रही है वो डिविडेंड डिसीजन की बात हो रही है। तो जब डिविडेंड डिसीजन आप लोगे तो कौन कौन से 6 फैक्टर आपके माइंड में रहेंगे वो आपको यहाँ पर बताना है, कि कैश फ्लो पोजिशन हमारी कैसी है, हमारे पास गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन कैसा है, ऐसे आपको 6 बताने हैं। अपेरल्स इन इंडिया एक सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ब्रांड है लाइफ स्टाइल अपेरल का। कंपनी ने अब प्लान किया है कि अपने प्लान को डाइवर्सिफाई करेंगे, पर्सनल केयर सेगमेंट में अपने लॉन्च करने वाले परफ्यूम्स, हेयर केयर, स्किन केयर वगैरह। मोर ओवर वो प्लान कर रहे हैं 10 एक्सक्लूसिव रिटेल आउटलेट अलग अलग सिटीज में 2 सालों में। आइडेंटिफाई द 2 फैक्टर अफेक्टिंग द फिक्स कैपिटल नीड ऑफ द कंपनी। अब बात हो रही है इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन में उन्हें कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे वो आपको बताना है। व्हाई इज द मैनेजमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल कंसीडर टू बी इम्पोर्टेंट फॉर अ बिजनेस, बिजनेस के लिए फिक्स कैपिटल का मैनेजमेंट करना क्यों जरूरी है वो भी आपको बताना है। यहाँ पर यहाँ पे एक क्वेश्चन है भाई, आपको क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन में आपको देखिए ईपीएस तरीके से निकालते हैं, टू कंडीशन फॉर टेकिंग नेसरी एडवांटेज। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फॉर्मूला होता है डेप्ट अपॉन इक्विटी, उस हिसाब से इस क्वेश्चन को रेज करना है बस। तो इसमें ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, इसलिए क्योंकि इसमें आपको एक न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, और न्यूमेरिकल के लिए मैं आपको बता दूं, न्यूमेरिकल की आपको ये फंडा अपनाना है कि आपको हो सकता है ईबीआईटी दिया हो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ईबीआईटी में से आपको इंटरेस्ट माइनस करनी है, वो इंटरेस्ट जो हम डेप पर लगाते हैं, ये आपका ईएटी अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब अर्निंग आफ्टर टैक्स नहीं आया, ये आपका आया ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स। अब इसमें से टैक्स माइनस कर दोगे
तो आ जाएगा आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स। फिर जो आपको शेयर्स दे रखे होंगे, शेयर्स जो दे रखे हैं और ये जो अमाउंट आया उसको डिवाइड करके आपका आएगा ईपीएस, जिसे हम कहते हैं अर्निंग पर शेयर्स। ठीक है ना, तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट और हमने देखा हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट। अगली जो वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की होगी उसमें मैं पूरा एक सैंपल पर आपको सॉल्व करवाऊंगा इंपोर्टेंट। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अब तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।